लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू की पापड़, वो भी विदाउट मशीन। अब आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्रंची और क्रिस्पी। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ली हूँ बॉइल्ड आलू। यहाँ पे मैं आलू को मैश कर ले रही हूँ, चाहे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि आलू हमें अच्छे से मैश कर देना है, जो मैं बहुत अच्छे से मैश कर रही हूँ। उसके बाद हमें हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है आलू को। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ली हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। कि आप जितना आलू को अच्छे से मैश करेंगे उतना अच्छा पापड़ बनेगा हमारा। मैं लगभग 2 से 3 मिनट तक के इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ ताकि हमारा पापड़ अच्छा बन सके। अगर आपको ऑयल की और ज़रूरत पड़े तो आप और ऑयल ले सकते हैं, बट मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी थी। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ले रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट और ब्लैक पेपर कूटा हुआ। अब ये सारे चीज़ को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट तक के। ये बहुत ही अच्छे से सब कुछ मिक्स हो चुका है। मैं एक बोल में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, थोड़ा सा मैं बॉइल्ड आलू लूँगी और मस्टर्ड ऑयल लगा करके इसे गोल शेप में हमें बनाना है। बहुत ही इजीली बन जाता है। अगर हाथ में अगर आपके आलू चिपक रहे हैं तो आप ऑयल लगा सकते हैं हाथ में अच्छे से। ये बहुत कम समय में पापड़ बनके तैयार हो गया था मेरा, 15 मिनट्स में। अगर अब तक के मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। यहाँ पे सारा मैं बना ली हूँ बॉल्स। यहाँ पे एक प्लास्टिक ली हूँ मैं, जो बॉल्स बनाई हूँ आलू की। जहाँ पे ये आलू को आपको चिपकाना है वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लगा देना है। फिर ये बॉल्स के ऊपर भी हमें मस्टर्ड ऑयल ले लेना है और फिर हमें एक और प्लास्टिक लेना है, इसके ऊपर हमें रख देना है और एक प्लेट के हेल्प से इसमें प्रेशर देना है ताकि वो चपाती के साइज़ का वो हो जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा शेप बन गया। उसके बाद ऊपर वाले जो प्लास्टिक है उसे हमें हल्के हाथों से हटा देना है। फिर से हम ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे। आप फिर से एक बार देख ले, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजीली निकल भी जाता है ये पापड़। मैं सारे को बना ली हूँ और इसे मैं 1 दिन के लिए पूरा धूप में मैं सूखने के लिए दे दी थी और ये सूख के इस तरीके का हमारा हो चुका है पापड़। बिल्कुल ये सूख चुका है अच्छे से। चलिए अब इसे फ्राई करेंगे। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारा ऑयल ज़्यादा हीट ना हो वरना पापड़ जल सकता है। अब हम इसे पापड़ को डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे से ये फ्राई हो गया और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है पापड़ का। अब एक एक करके मैं ये पापड़ को सारा फ्राई कर लूँगी। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के पापड़ एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर।